हाय गाइस, सो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, इन दोनों आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को कैसे हटाया गया है, इसके प्रोविजंस क्या थे और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन द UGC नेट एग्जाम एंड ऑल्सो वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। देखिए, अभी तक हमारी कंट्री के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करते थे, बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर आया था एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 1950 के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक ही कंट्री के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पे आप देखिए स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर का उसको हटा दिया गया है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो अब यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। चलिए अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को कैसे हटाया गया, इसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या थे और इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है, अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस एंड पॉलिटी, जो बेसिकली आपकी यूनिट 10 है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट के अलावा भी अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सो देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड प्रोबेबली द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नाउ इट एस्टेब्लिशेस अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, सो हमारे सेंटर में दैट इज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दैट इज यहाँ पे एक पार्लियामेंट होता है जिसके अंदर अपर एंड लोअर हाउसेस हैं। देखिए, अगर हम सेंटर की बात करें तो अपर हाउस है आपका राज्यसभा और लोअर हाउस है आपका लोकसभा। नाउ अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, सो वहाँ पे आपका अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ इट लेज आउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले डाउन करता है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, सो उनको वेलफेयर ऑफ द पीपल इनको ध्यान में रखते हुए बनाना है, सो दैट टू प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर। नाउ इट प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो बेसिकली आपको पता है कि हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है, सो उसको जो जुडिशरी है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन सी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंडर आती है और कौन सी चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। सो अगर हम वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को लेकर बनाया गया है, बट यहाँ पे हम मेजर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए, अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम भी जो है आपका ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अगर हम US कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो यहाँ पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स आपके US कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और ये कई सारे अर्लियर एग्जाम्स में आपसे पूछे भी गए हैं। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, सो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कहाँ से ली गई, US के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी की ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगर हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर USSR जो बेसिकली रशिया की बात करें, सो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया 5-year plans। अब देखिए, अगर हम 5-year plans की बात करें, सो इंडिया के अंदर 5-year plans को बंद कर दिया गया है, अब इसकी जगह नीति आयोग के प्लान्स को चलाया जाता है। नीति आयोग के प्लान्स जो होते हैं वो 5 years के नहीं होते हैं, ये 3 years, 7 years और 15 years के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर डिवाइडेड हैं। नो, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, सो ये भी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों अलग अलग हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सो US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, सो ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की बात करें सो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सो बेसिकली अगर कंट्री के अंदर कोई भी इमरजेंसी आती है सो यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इसको सस्पेंड किया जा सकता है. सो इसको जो लिया गया ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. नाउ अब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल सिस्टम है. बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर्स अलग अलग हैं. इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. वी हैव टू लेवल्स ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर the union government and the state level we have individual state government. So basically अगर हम center की बात करें तो यहाँ पे union government work करती है. अगर हम state government की बात करें so यहाँ पे different state governments work करती हैं. Now अगर हम feature of federalism की बात करें so federalism के features क्या क्या हैं हम इसको देख लेते हैं. देखिए there are two level of governance in the country, the central level and the state level. So basically देख सकते हैं आप central के अंदर union government आपकी अलग party हो सकती है, state government के अंदर आपकी अलग party work कर सकती है. So basically यहाँ पे federal structure है, यहाँ पे central government और state government बिल्कुल अलग अलग हो सकती है. Now second point देखते हैं. The level of governance will govern the same citizens but the jurisdiction will be different. देखिए जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्न करती हैं वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करती हैं. अब जैसे मान लीजिए अगर आप हरियाणा के अंदर रहते हैं सो बेसिकली हरियाणा के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है. बट आप देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ऑल ओवर द इंडिया सिमिलर रहते हैं बट स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं. नाउ दिस मीन्स दैट each level of government will have a specific power to form laws, legislate and execute these laws. Both of these government will have clearly marked jurisdiction. So basically यहाँ पे जो भी government है उनके लिए clearly marked jurisdiction है. चलिए आगे देखते हैं. One level of government cannot make unilateral changes or amendment to the important and essential provisions of the constitution. So basically यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इधर एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल कोई भी गवर्नमेंट यूनिलेटरल चेंजेस नहीं कर सकती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस आते हैं सो ये वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट सबसे अप्रूव होने चाहिए, सबसे पास होने चाहिए. सो देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जब GST को एप्लीकेबल किया गया था इंडिया के अंदर सो आफ्टर पासिंग इट फ्रॉम द पार्लियामेंट इसको वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया था तभी जो GST बिल है वो ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल हो पाया था. So, आप इसके अंदर देख सकते हैं कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है सो इसको एप्लीकेबल कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट होनी चाहिए. नाउ देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद सेपरेट ज्यूरिडिक्शन एंड सेपरेट ड्यूटीज. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है इधर एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों की सेपरेट ज्यूरिडिक्शन होगी और सेपरेट ड्यूटीज होंगी. Now, yet there are still possibility that the conflict may arise between the two. So, यहाँ पे possibility है कि conflict हो सकता है central level और state level के. Now, अब ये conflict होगा तो इसको resolve कौन करेगा? So, ये fall होता है courts के ऊपर. So, जो भी India के अंदर judiciary है वो independent है. अगर कोई भी central level और state level पे कोई भी dispute arise होता है, so उसको judiciary resolve करती है. The court must have the power to interfere in such a situation to reach a resolution. So, basically यहाँ पे court जो है वो आपकी interfere कर सकती है अगर कोई भी रेजोल्यूशन लेके आना है तो. नाउ अब हम बात करेंगे कि यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी जो पावर्स हैं वो कौन कौन से डिसीजंस को लेके लिमिटेड हैं, कौन कौन से डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, कौन से डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है और कौन से डिसीजन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट चाहिए. सो देखिए यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर तीन लिस्ट गिवन है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर जो है इसके अंदर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन हैं उनके बारे में बताया गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन हैं उनके बारे में बताया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिसमें अंदर बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट चाहिए उसके बारे में बताया गया है. सो देखिए अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, दिस इंक्लूड सब्जेक्ट रिलेटेड टू कैरी नेशनल इंपॉर्टेंस. सो बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है लाइक डिफेंस, फाइनेंस, रेलवेज, बैंकिंग एक्सेट्रा. सो इस टाइप के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है. सो सच सब्जेक्ट्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज. सो इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी लॉज जो हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है.
अगर हम शेड लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड ऑल द मैटर्स इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड लाइक ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. सो इन सब रिलेटेड सब्जेक्ट से जो भी प्रोविजन हैं या जो भी लॉज हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. द स्टेट गवर्नमेंट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी लॉज बनानी है यहाँ पे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट. अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें द लिस्ट इंक्लूड टॉपिक्स ऑन विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. सो बेसिकली यहाँ पे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाएंगी. सो देखिए ये टॉपिक्स हैं. सो बेसिकली ये सब्जेक्ट्स हैं आपके एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा. वन पॉइंट टू बी नोटेड इज इफ द टू गवर्नमेंट्स आर इन द कॉन्फ्लिक्ट विद दीज लॉज द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. इट इज द फाइनल अथॉरिटी. सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल पावर दी गई है ये यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है. बेसिकली जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी फाइनल अथॉरिटी है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A. सो बेसिकली अब हम देखेंगे इसके अंदर आर्टिकल 370 क्या था और इसको कैसे हटाया गया. तो चलिए देखते हैं. आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेम्परेरी प्रोविजन विच ग्रांट स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. सो बेसिकली अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें सो ये बेसिकली एक टेम्परेरी प्रोविजन था. देखिए आप अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें सो आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ था दिस आर्टिकल मे बी रिमूव्ड बाय द डिक्री ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो बेसिकली यहाँ इस आर्टिकल को कभी भी हटाया जा सकता है बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो देखिए यहाँ पे भी जो इसी पावर का यूज करते हुए इसको हटाया गया है. अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370. सो बेसिकली हम पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सो वहाँ पे ये गिवन है कि आप किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं. सो उसकी उसी पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था. ऑल दिस प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एप्लीकेबल टू अदर स्टेट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. सो बेसिकली जो भी प्रोविजन जैसे कि आपने अगर आपने कभी भी कोई एक्ट पढ़ा हो सो आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर लिखा होता है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. सो बहुत सारे इंडियन एक्ट्स ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे बट आफ्टर दिस देखिए अब जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया है इंडिया का. सो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया के जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे. नाउ चलिए आर्टिकल 35A को देख लेते हैं. आर्टिकल 35A अलाउ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट. सो बेसिकली आर्टिकल 35A के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को पावर दी गई है कि वो डिफाइन कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे. सो बेसिकली इसका यूज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर ने डिफाइन किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे. तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार. देखिए व्हेन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1956 इट डिफाइंड परमानेंट रेजिडेंट एज समवन हु हैज स्टेट सब्जेक्ट ऑन 14th of May 1954. So basically state subjects ke people kaun the who has been a resident of the state for 10 years and lawfully acquired immovable property. So basically jo 10 years se Jammu and Kashmir ke andar reh rahe hain aur wahan pe Jammu and Kashmir ke andar unhone kisi bhi tarike ki immovable property ko acquire kiya hai unko permanent resident ka status diya gaya. Now, so under this clause, no outsider can own property in Jammu and Kashmir or get a state job. So basically, इस article के through, कोई भी other Indian citizen Jammu and Kashmir के अंदर land acquire नहीं कर सकता. The Jammu and Kashmir redistribution bill was introduced in Raj Sabha on 16th August 2019. So basically, यहाँ पे Jammu and Kashmir redistribution bill को पेश किया गया Raj Sabha के अंदर on 16th August 2019 को. Under this bill, Jammu and Kashmir will cease to be a state. So basically, अभी तक Jammu and Kashmir को separate state माना जाता था, but अब इस bill के अंदर Jammu and Kashmir को break down करके दो union territories बना दी जाएंगी. पहली होगी आपकी Jammu and Kashmir and second union territory होगी आपकी Ladakh. Instead, the state will be converted into two union territories that is Ladakh and Jammu and Kashmir. Now,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं. सो इसको अडॉप्ट किया गया था 17th of November 1956 को. अब देखिए अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1950s के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 के अंदर. सो आप देख सकते हैं कि 6 years लेटर जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया गया था. सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अप्लीकेबल फ्रॉम 26th of January 1956. अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 के अंदर अप्लीकेबल हो गया था, बट कुछ कुछ प्रोविजन्स जो उस समय से अप्लीकेबल नहीं हुए थे वो 26th of January 1957 से अप्लीकेबल कर दिए गए थे. सो बेसिकली अगर हम देखें तो फुल फ्लैश तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1957 से अप्लीकेबल हो गया था. The Constitution also say that the Jammu and Kashmir is and shall be integral part of Union of India. So basically, इस Constitution में ये भी बोला गया है जो Jammu and Kashmir है वो integral part होगा India का. Now, अब देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 370 को हटाने के बाद क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. तो देख लेते हैं बिफोर क्या क्या चीजें थी और आफ्टर सस्पेंशन ऑफ 370 एंड 35A क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. सो देखिए बिफोर स्पेशल पावर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को, अब कोई भी स्पेशल पावर जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है. ड्यूअल सिटीजनशिप, अब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो पीपल थे उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप एंड इंडियन सिटीजनशिप, बट अब यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप रहेगी. स्पेशल फ्लैग था जम्मू एंड कश्मीर का, बट अब यहाँ पे जो ट्री कलर है बेसिकली जो हमारा इंडियन फ्लैग वही एक फ्लैग होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी. चलिए आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 नॉट एप्लीकेबल. सो बेसिकली अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 एप्लीकेबल नहीं होते थे. देखिए आर्टिकल 356 जो है ये कहता है कि जब भी किसी भी फंक्शनिंग में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है या फिर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, सो यहाँ पे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसे टेक ओवर कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके वहाँ पे जो है अपनी गवर्नमेंट को चला सकती है, बट यहाँ पे अब कहा गया है आर्टिकल 356 अप्लीकेबल होगा. नाउ अगर हम आर्टिकल 360 की बात करें तो आर्टिकल 360 आपका डील करता है फाइनेंशियल एमरजेंसी से. सो देखिए आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं. सो बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, बट आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 ये जो आर्टिकल है ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. नाउ आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था और मैनी इंडियन लॉज वेयर नॉट एप्लीकेबल. सो बेसिकली यहाँ पे आरटीआई एक्ट दे सकते हैं और बहुत सारे इंडियन एक्ट जो थे वो एप्लीकेबल नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. सो वो सब भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंडियन एक्ट विल बी एप्लीकेबल. सारे इंडियन जितने भी एक्ट्स हैं उसको मॉडिफाई करके अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल अब किया जा सकता है. चलिए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर हम उनको देखेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अभी जो रिसेंट चेंजेस आई हैं उसमें से. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय एक्सक्लूसिव पावर्स आर गिवन इन. सो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि देखिए हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ऑर्डर्स होते हैं और स्टेट लिस्ट के अंदर केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं और रेजिड्यूरी लिस्ट कोई नहीं होती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रेजिड्यूरी पावर्स टू. सो बेसिकली अगर देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो प्रिवेल करेंगी ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए द यूनियन दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हाउ मैनी मैक्सिमम सीट्स हैव बीन फॉर द यूनियन टेरेटरीज इन लोकसभा. सो लोकसभा के लिए यूनियन टेरेटरीज की कितनी मैक्सिमम सीट्स हैं. सो देखिए यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मैक्सिमम सीट्स जो दी गई हैं लोकसभा के अंदर फॉर यूनियन टेरेटरी दैट इज 20 सीट्स. नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर हम लद्दाख की बात करें और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 2 यूनियन टेरेटरीज अलग अलग बनने वाली हैं. सो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैं इसके लिए अब हो सकता है यहाँ पे जो सीट्स हैं इनको बढ़ाया जा सकते हैं. सो अगर आप न्यूज़ को फॉलो अप करेंगे सो मे भी हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ.
नाउ आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर इनिशिएटेड। सो देखिए, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर लाए जाते हैं तो उसके कौन से हाउसेस के अंदर लाए जा सकते हैं? सो द लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जाता है उसे, राज्यसभा के अंदर, इधर हाउस, द लोकसभा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर हाउस। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसको ईदर हाउस मतलब इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा दोनों के अंदर किसी में से भी लाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो देखिए हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सो वहां पे भी दो हाउसेस होते हैं। देखिए जो अपर हाउस होता है वो होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लोअर हाउस होता है वो होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द यूनियन कैबिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू। सो देखिए जो यूनियन कैबिनेट होती है, अभी हमने बात की थी वेरियस जो लोकसभा के अंदर मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं वो बेसिकली वहां पे जो कैबिनेट फॉर्म किया जाता है टू रेगुलेट वेरियस मिनिस्ट्रीज। सो इसके लिए एक यूनियन कैबिनेट बनता है। सो यूनियन कैबिनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो लोकसभा को होता है। नाउ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप देखिए अपकमिंग एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। सो देखिए जम्मू एंड कश्मीर का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म किया गया था? सो इसका जो आंसर है दैट इज 17th नवंबर 1956 को जम्मू एंड कश्मीर का नया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल किया गया था। तो इसका आंसर होगा करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिमूव्ड बाई। सो देखिए अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है इसको प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू रिमूव किया गया था। अभी हमने जो डिस्कस किया आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंदर लिखा गया है जो आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसी पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 370 को हटाया गया है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड ऑन। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? सो देखिए एज यू नो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है जम्मू एंड कश्मीर को रिलेटेड। सो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने अटैक किया था। सो वहाँ के जो लीडर थे दैट इज राजा हरी सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान। सो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया था सो यहाँ पे जो राजा हरी सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर के लीडर, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो इंस्ट्रूमेंट साइन किया था दैट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो इसको साइन किया गया 26th of October को। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने देखा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है सो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको UGC नेट दिसंबर 2019 के लिए कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।